हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा महल किस देश में स्थित है? इसके अलावा यूरोप का सबसे पुराना रेस्टोरेंट भी यहीं पर स्थित है, जो यहाँ की महिलाओं के द्वारा चलाया जाता है। दोस्तों, यहाँ की महिलाओं को फिल्मों में सबसे ज़्यादा काम करने का शौक होता है। इस देश में सबसे ज़्यादा सर्दियों के दिनों में फेस्टिवल का जश्न मनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ की महिलाएँ बेहद ही सेक्सी होती हैं, जो अपने बड़े बूब्स के कारण पूरी दुनिया में जानी जाती है, जो टूरिज्म को आकर्षित करने में मुख्य भूमिका निभाती है। दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए बने रहे वीडियो में अंत तक। दोस्तों, जिसका नाम है पोलैंड। दोस्तों, पोलैंड देश दुनिया के खूबसूरत और मज़ेदार देशों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो 312,696 वर्ग किलोमीटर में फैला पोलैंड दुनिया का 59वां और यूरोप महाद्वीप का 9वां सबसे बड़ा देश है, जिसकी तुलना भारत से की जाए तो भारत के एक राज्य महाराष्ट्र जितना बड़ा है, जो 16 राज्यों में बटा हुआ बेहद ही प्यारा देश है। दोस्तों, पोलैंड देश का 33% हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे सुपर ग्रीन कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर 23 नेशनल पार्क और 1200 नेशनल रिजर्व स्थित हैं, जो इस देश को सबसे ज़्यादा खास बनाते हैं। दोस्तों, इस देश की झीलों को पूरी दुनिया से प्यार मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले प्रेमी जोड़े सबसे ज़्यादा झीलें देखना पसंद करते हैं। दोस्तों, ढलते हुए सूर्य को देखना बेहद ही काफ़ी सुंदर माना जाता है, जो यहाँ पर नग्न होकर लेटना बेहद ही पसंद करते हैं। दोस्तों, सुप्रसिद्ध महिला मैडम क्यूरी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो दोस्तों पोलैंड देश की मूल निवासी थी। हालांकि दोस्तों, उनके जीवन का अंतिम समय फ्रांस में बीता। दोस्तों, पोलैंड देश में शिक्षा का स्तर काफ़ी अच्छा है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोस्तों पोलैंड देश में 17 व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अभी तक दोस्तों पोलैंड में शिक्षा का स्तर वहाँ की सरकार ने काफ़ी अच्छा बनाया है। दोस्तों, पोलैंड देश अपना बॉर्डर 7 देशों से सीमा साझा करता है, जिसमें लिथुआनिया, रसिया, बेलारूस, स्लोवाकिया, यूक्रेन, चेक रिपब्लिक और जर्मनी मुख्य है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा महल पोलैंड देश में स्थित है। इतना ही नहीं दोस्तों, पोलैंड देश के उत्तरी भाग में स्थित है, जिसे मेलबोर्न कैस्टल के नाम से जाना जाता है, जो 143,591 वर्ग मीटर में फैला एक बेहद ही सुंदर और खूबसूरत महलों में से एक है, जो इस देश की आन बान शान को बढ़ाता है, जो दोस्तों टूरिज्म को आकर्षित करने में एक अनोखा दृश्य रचता है। दोस्तों, दुनिया की सबसे कठिन भाषा है पोलैंड देश की भाषा पोलिश, जो यहाँ की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। दोस्तों, जिसको 40 मिलियन लोगों के द्वारा बोली जाने वाली एक अनोखी भाषा मानी जाती है, जो सीखने में काफ़ी कठिन होती है। दोस्तों, यूरोप का सबसे पुराना रेस्टोरेंट पोलैंड देश में स्थित है, जो सन 1275 में बनाया गया था, जिसे पीनाविका नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह एक विशेष प्रकार के पिज्ज़ा बनाने के लिए जाना जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा महिला वर्कर काम करती हैं। दोस्तों, पोलैंड देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संविधान है। यह एक ऐसा यूरोपीय देश है जहाँ पर पहला संविधान रचा गया था। दोस्तों, जहाँ के लोग अपने कायदे कानून को सबसे ज़्यादा पालन करना पसंद करते हैं। दोस्तों, पोलैंड देश में शराब पीने के लिए कोई भी उम्र तय नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग शराब पीना पसंद करते हैं। दोस्तों, पोलैंड में शराब पीना बिल्कुल आम बात है। यहाँ के बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी शराब पीते हैं, जिसमें कम उम्र की लड़कियाँ बेहद ही खास प्रकार की शराब पीना पसंद करती हैं। दोस्तों, पोलैंड देश की ज़्यादातर नदियाँ बाल्टिक सागर में जाकर मिलती है। इसके अलावा कुछ नदियाँ काला सागर और डेन्यूब नदी में जाकर एक सुंदर दृश्य का निर्माण करती है, जिसे देखने के लिए लाखों की संख्या में पर्यटक हर साल आते हैं। दोस्तों, पोलैंड देश की जनसंख्या की बात की जाए तो 3,80,00,000 की आबादी वाला बेहद ही प्यारा देश है। दोस्तों, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 31वां सबसे बड़ा देश कहा जाता है। दोस्तों, पोलैंड देश की आधिकारिक राजधानी वारसा है, जो यूरोप की अमेजिंग राजधानियों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यूरोप की एक विशिष्ट राजधानी है वारसा। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, मज़ेदार तथ्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल हर्षिल यूनिक को, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराई से धन्यवाद।